अंधेरी रात थी और गांव के चारों ओर केवल सन्नाटा था। आसमान में छाए बादलों ने चांद और तारों को ढक लिया था। हर कोई अपने घरों में बंद था। इस अंधेरी रात में कुछ अनहोनी होने की घटना होने वाली थी, जिसका कोई भी अनुमान लगाना मुश्किल था। शरद का गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग बहुत सच्चे और ईमानदार थे। एक दिन शरद ने अपने दोस्तों से कहा, चलो आज रात हम गांव के बाहर एक जंगल में चलते हैं, सुना है वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन शरद के जोर देने पर वे मान गए। वे सब मिलकर रात के 11 बजे जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता घना और डरावना था। शरद, राहुल, सुरेश और विकास के साथ चारों लोग जंगल में चल दिए। अपनी अपनी दिलों को मजबूत किया और जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में घुसते ही शरद ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। क्या तुमने ये आवाज़ सुनी? शरद ने पूछा। राहुल ने कहा, नहीं। हाँ, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? सभी ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अचानक एक काले कपड़े पहने व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसने कड़क आवाज में पूछा। शरद ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम सब घूमने आए थे भूत महाराज, हमें कुछ नहीं करना, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें माफ़ कर दो। लेकिन उन्होंने देखा कि वह वहाँ से गायब हो गया। चारों दोस्तों को कुछ समझ नहीं आया कि ये व्यक्ति कहाँ चला गया। उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, उनके दोस्त राहुल ने कहा, लेकिन शरद नहीं माना। हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने मंदिर के दरवाजे को छुआ, एक जोरदार आवाज आई, कौन हो तुम लोग? सभी ने डरते हुए कहा, हम रास्ता भटक गए हैं। मंदिर के अंदर से एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बुलाया, आओ अंदर आओ, यहाँ तुम सुरक्षित हो। बूढ़े आदमी ने उन्हें अंदर ले जाकर बैठाया। मैं यहाँ के रहस्यों को जानता हूँ। ये जंगल और ये मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ हर रात कुछ ना कुछ अजीब घटता रहता है। शरद ने पूछा, क्या आप हमें इन रहस्यों के बारे में बता सकते हैं? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, हाँ, घर पर पहले तुम सब ये वचन दो कि यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं बताओगे। सभी ने वचन दिया। बूढ़े आदमी ने बताना शुरू किया, कई साल पहले इस जंगल में एक राक्षस का वास था। उसे एक संत ने मंदिर में बंद कर दिया था, लेकिन हर अमावस्या की रात वह राक्षस बाहर आने की कोशिश करता था। आज अमावस्या है, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ आकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। विकास ने कहा, तो हम क्या करें अब बाबा? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें बस इस रात को यहाँ गुजारना होगा, सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। अचानक मंदिर के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। ये क्या हो रहा है? सुरेश ने घबराते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, राक्षस जाग चुका है, हमें एक मंत्र का जाप करना होगा ताकि वह बाहर ना आ सके। सभी ने मिलकर मंत्र का जाप करना शुरू किया, लेकिन बाहर की आवाजें और तेज हो गईं। राक्षस ने दरवाजों को तोड़ दिया और अंदर घुसने की कोशिश की। बूढ़े आदमी ने एक जड़ी निकालकर राक्षस की ओर फेंकी। राक्षस तड़प उठा और पीछे हट गया, लेकिन वह फिर से जोर लगाने लगा। शरद ने हिम्मत जुटाई और राक्षस के सामने खड़ा हो गया। हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे।
राक्षस ने जोर से हा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? शरद ने बूढ़े आदमी से कहा। क्या कोई और तरीका नहीं है बाबा? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, तुम सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश करो तो शायद हम सफल हो सकते हैं। सभी ने मिलकर राक्षस का सामना किया। मंत्र और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने राक्षस को कमजोर कर दिया। राक्षस ने चीखते हुए बचाओ आ वे कहा, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। राक्षस ने शायद कहा, हम सब मिलकर तुम्हें हरा देंगे। राक्षस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और अंत में वह फिर से मंदिर के अंदर कैद हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम सबने बहुत बहादुरी दिखाई, अब तुम सुरक्षित हो। सुबह होते ही सभी यहाँ से चले जाना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साहस से हम किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी को हल कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।